गोरखपुर में फर्टिलाइजर का कारखाना कोई सोच भी नहीं सकता था कि दोबारा इस लाश में भी जान आ सकती है। हमने उसको जिंदा करने का काम कर दिया है, यहां के किसानों का भाग्य बदलने के। Moments later. राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी और मंजा सिंह, समस्त भारत सांसद स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड द्वारा सम्मान का दिवस है, वो सबके सरकार हो रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर अपार जन समूह और यहाँ का कार्यक्रम जो सभी माननीय विधायकगण और भारी संख्या में पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए भाइयों बहनों, मैं आप सब की ओर से आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में साकार करने जैसा है जो विपक्ष के लिए असंभव हो गया था। 3 दशकों तक जिसके लिए 5-5 सरकारों ने हामी भरने के बाद अंततः, लेकिन केंद्र और राज्य की सरकारें मौन बन करके इस दृश्य के प्रति केवल तमाशबीन रहती थी। पहली बार देश के प्रति संवेदना और भारत को आत्मनिर्भर भारत के रूप में दर्शन करने के सपने को साकार करने के लिए, तो यहाँ से सैंपल जांच करने के लिए NIB पुणे भेजना पड़ता था। जब तक एक कंफर्म होता था कि ये इंसेफ्लाइटिस है, तब तक मरीज या तो मर चुका होता था या फिर वह शारीरिक और मानसिक दिव्यांगता का शिकार हो जाता था। हम आभारी हैं आदरणीय। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय श्री राम। जय श्री राम।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने उद्बोधन में बताया कि ये क्षेत्र वर्षों तक जैपनीज इंसेफेलाइटिस जैसी घातक बीमारियों से ग्रस्त रहा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व में अब इस क्षेत्र को इन बीमारियों से छुटकारा मिला है। संघर्ष से सफलता, संघर्ष से सिद्धि की इस यात्रा पर एक छोटी सी फिल्म आइए देखते हैं। वास्तव में आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ उनके माध्यम से विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश को एक सुरक्षा कवच भी देंगे, रोजगार के अवसर भी बढ़ाएंगे और समृद्धि के द्वार भी खोलेंगे। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि रिमोट का बटन बटन दब गया और बटन दबने के साथ साथ और एक नया अध्याय जुड़ गया पूर्वी उत्तर प्रदेश में विकास स्वास्थ्य और समृद्धि का अनावरण हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जैसे ही बटन दबाया अनावरण हुआ वैसे ही शुरू हो गया गोरखपुर का खाद कारखाना। आप देख सकते हैं उत्पादन प्रारंभ प्रतिदिन यूरिया के उत्पादन की क्षमता खाद कारखाना जो किसानों की यूरिया की जरूरत को पूरा करेगा। यूरिया की उपलब्धता के क्षेत्र में और रोजगार के नए अवसर के साथ समृद्धि के द्वार खोलेगा। इस कारखाने के बारे में और भी अधिक जानकारी देने के लिए इसकी विशेषताओं के बारे में बता दीजिए। छोटी सी फिल्म तैयार की गई है, आइए देखते हैं। सुरक्षित भारत के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी मजबूती देगा। सोच ईमानदार, काम दमदार। आज लोकार्पित की गई तीन परियोजनाओं में से तीसरी परियोजना बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आईसीएमआर रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन। इसके बारे में जानकारी लेने के लिए आइए देखते हैं ये छोटी सी फिल्म। कोरोना महामारी ने स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लक्ष्य को और दृढ़ बनाया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य क्षेत्र के मूलभूत ढांचे को बादी, 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 यूपी
गरीबों को नहीं मिलता था। आज हमारी सरकार ने सरकारी गोदाम गरीबों के लिए खोल दिए हैं और योगी जी पूरी ताकत से हर घर अन्न पहुंचाने में जुटे हुए हैं। यूपी के लगभग 15 करोड़ लोगों को हो रहा है। हाल ही में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को होली से आगे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले बिजली सप्लाई के मामले में यूपी के कुछ जिले वीआईपी थे, वीआईपी योगी जी ने यूपी के हर जिले को आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। इसी अपेक्षा के साथ एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा विश्वास हैं, आप हमारा स्वाभिमान हैं, आप हमारा गौरव हैं। एक तो बस और है।